एक सवाल जो हम हमेशा सोचते हैं जब भी पीसीबिल की बात आती है वो ये कि क्या एक स्टॉक कूलर से हमारा गुजारा हो जाएगा, या हमें 15-20 हज़ार का कोई लिक्विड कूलर या एक बजट फ्रेंडली एयर कूलर लेना पड़ेगा। क्या एक सस्ते एयर कूलर के अंदर और एक स्टॉक कूलर के अंदर कोई फर्क होता भी है? वेल, आज की वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, टर्न ऑन नोटिफिकेशंस ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें @tahashropofficial। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी फर्स्ट लिंक है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मोर कॉन्टेंट लाइक दिस। सो विद दैट बींग सेड, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। हाँ हाँ पता है, उधर मैंने ये वीडियो पोस्ट करनी है और उधर ही मुझे मैसेज आ जाएंगे कि हमारे पीसी के टेम्परेचर्स तो डिफरेंट आ रहे हैं, हमारा प्रोसेसर तो 90 डिग्री तक जा रहा है। वेल, उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि उस पीसी का जो यूज़र है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है। सॉरी फॉर द टेक्निकल डिफिकल्टीज। तो हम बात कर रहे थे टेम्परेचर्स के डिफरेंट आने की। वेल, उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। आप किस शहर में रहते हैं, आपका रूम टेम्परेचर क्या है, आपके कमरे में एसी चल रहा है या नहीं, आपकी जो केसिंग है उसका एयर फ्लो कैसा है, उसके अंदर मैश पैनल है या नहीं। तो इन डिफरेंसेस को मिनिमम करने के मेरे पास सिर्फ दो तरीके थे, या तो मैं ये वीडियो ही ना शूट करूँ या फिर मैं सारे कॉम्पोनेंट्स को केसिंग से बाहर निकाल कर वीडियो शूट करूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। काश इतना दिमाग मैंने पढ़ाई में लगा लिया होता तो इंटर में मैं टॉप कर लेता। चल झूठा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक कूलर के बारे में। दिस इज द AMD स्टॉक कूलर जो राइजन के प्रोसेसर्स के साथ आता है। इसी तरह का एक कूलर जो है वो इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ भी आता है, जो डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट बेसिकली इट्स द सेम थिंग। अब मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो एक स्टॉक कूलर को देखते ही कहते हैं कि यार स्टॉक कूलर तो बहुत बेकार है, तुम्हारे टेम्परेचर बहुत हाई आएंगे, पीसी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। वेल, टू बी ऑनेस्ट, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बजट के अंदर पीसी बिल्ड कर रहे होते हैं तो उनके पास एक कूलर में इन्वेस्ट करने का बजट नहीं बचता, तो फिर 90-80% लोग जो है वो एक स्टॉक कूलर यूज करने में मजबूर हो जाते हैं। तो एक स्टॉक कूलर कैसा परफॉर्म करता है, लेट्स फाइंड दैट आउट। इस वक्त जो आप बिल्ड देख रहे हैं ये एक्चुअली मेरी अपनी पर्सनल बिल्ड है, विच इज राइजन 5 5600G, यानी राइजन 5 की 5th जनरेशन। इसके ऊपर मैंने स्टॉक कूलर लगाया हुआ है, इसके ऊपर मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, इसके ऊपर मैं गेमिंग भी करता हूँ। सो लेट्स सी इस वक्त हमारे पास क्या टेम्परेचर्स आ रहे हैं। अगर मिनिमम टेम्परेचर्स की बात करें तो इस वक्त हमारे मिनिमम टेम्परेचर्स 29-30 डिग्रीज आ रहे हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर्स 50 डिग्रीज आ रहे हैं। ये टेम्परेचर्स आइडल के ऊपर है, अभी हम इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हमने डेस्कटॉप खोला हुआ है। एंड आई वुड से कि ये काफ़ी आइडियल टेम्परेचर्स हैं। अब मैं बैठा ऐसे एंगल पे था कि मुझे स्क्रीन तो नज़र आ नहीं रही थी, तो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स तो ठीक थे लेकिन एवरेज टेम्परेचर स्टॉक कूलर के साथ हमारे 47-48 आ रहे थे, जो कि गुजारे लायक हैं लेकिन स्टिल लोड पड़ने पर थोड़ा सा इशू ज़रूर होगा। अब अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वक्त मैंने वेलोरेंट चलाई हुई है एंड एज यू गाइस कैन सी हमारे जो टेम्परेचर्स हैं वो 60 डिग्री के आसपास हैं। अब वेलोरेंट और CS:GO जैसी गेम्स जो हैं वो CPU को ज़्यादा यूटिलाइज़ करती हैं और ग्राफिक कार्ड को कम यूटिलाइज़ करती हैं, तो इसीलिए आई वुड से कि 60 डिग्री इज़ फाइन, लेकिन स्टिल इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा CPU इंटेंसिव कोई टास्क करते हैं या कोई CPU इंटेंसिव गेम चलाते हैं तो फिर आपके जो टेम्परेचर्स हैं वो स्पाइक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हाँ, आप इसको ओवरक्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली ये एक स्टॉक कूलर है। अगर आप अपने पीसी को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं टू गेट दैट एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस तो फिर ऑब्वियसली आपको एक अच्छे कूलर के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कूलर की तरफ, विच इज़ द फर्स्ट प्लेयर FR1। ये फर्स्ट प्लेयर का सबसे बजट फ्रेंडली चीपेस्ट RGB कूलर है। अगर हम लुक्स वाइज बात करें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इस वक्त मैंने फर्स्ट प्लेयर का FR1 जो कि उनका बजट फ्रेंडली कूलर है वो लगाया हुआ है। लुक्स वाइज आपको नजर आ ही रहा होगा इसके अंदर RGB है, इट लुक्स मच बेटर देन द स्टॉक कूलर। लेकिन इस कूलर का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो मुझे काफ़ी इश्यूज हो रहे थे अपने M80X मदरबोर्ड के अंदर इसको लगाते हुए। तो मुझे फाइनली अपनी एक रैम स्टिक निकालनी पड़ी क्योंकि इस कूलर का साइज मेरी इस बड़ी स्टाइलिश रैम के साथ कोलाइड कर रहा था, तो एक रैम स्टिक लगाने के बाद ये इजीली लग गया। अब टेम्परेचर्स बार बार फ्लक्चुएट कर रहे थे, कुछ देर के लिए टेम्परेचर्स मिनिमम जो है वो 26 डिग्री तक भी गए थे बट थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो गए थे। मिनिमम टेम्परेचर्स 31 डिग्रीज और मैक्सिमम 46-47 शो हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट जो थी वो एवरेज टेम्परेचर्स के अंदर थी। जो स्टॉक कूलर के साथ 47-48 शो हो रहे थे वो अब 33 तक ड्रॉप हो गए थे, विच वॉज अ मेजर इंप्रूवमेंट ओवर द स्टॉक कूलर। अब अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वेलोरेंट के अंदर हमारे जो टेम्परेचर्स हैं वो 60 से ड्रॉप होकर 51-52 तक आ गए हैं, विच इज अ मेजर इंप्रूवमेंट ओवर द स्टॉक कूलर। स्टॉक कूलर के साथ जहां हमारे टेम्परेचर्स 54-55 तक जा रहे थे वहाँ 48-49 तक ड्रॉप हो गए हैं, और जहाँ पर 60 तक जा रहे थे वहाँ 55-56 आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है
बट स्टिल इम्प्रूवमेंट इज इम्प्रूवमेंट। अब स्टॉक कूलर जो आपके प्रोसेसर के साथ आता है और एक आफ्टर मार्केट चीप बजट कूलर, दोनों का डिफरेंस तो आपने देख ही लिया है, लेकिन असल सवाल ये है कि इज इट एक्चुअली वर्थ बाइंग अ चीप कूलर ओवर अ स्टॉक कूलर? वेल इन माय ओपिनियन डेफिनेटली यस। आपने देखा ही है कि कैसे एक चीप बजट कूलर लगाने से आपके टेम्परेचर ड्रॉप हो गए थे फ्रॉम 48 टू 33 ऑन आइडल, और गेमिंग के दौरान भी 60 से ड्रॉप हो गए 50 टू 53 हो गए थे, विच इज स्टिल अ गुड इम्प्रूवमेंट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको किसी लिक्विड कूलर से कंपेयर करें, लेकिन एक स्टॉक कूलर के मुकाबले में दिस परफॉर्म्स क्वाइट वेल, और वैसे भी कंसिडरिंग द प्राइस ये सिर्फ 3,000 रुपए का है, विच इज क्वाइट अफोर्डेबल। और उससे मजी बात कि इसके अंदर आपको आरजीबी मिलती है, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट, क्योंकि बत्तियां तो बहुत जरूरी है ना सबके लिए। तो अगर आप फर्स्ट प्लेयर का ये वाला कूलर या कोई भी बजट या एक्सपेंसिव कूलर लेने में इंटरेस्टेड हो, तो उनकी वेबसाइट और दराज मॉल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इनको परचेज कर सकते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, यहां पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, हैव फन, स्टे सेफ, पीस आउट।